उगाने को हमें चाहिए था, तो जैसे कि आपको आर्मी या नेवी में सेलेक्ट नहीं किया था, क्यों नहीं सेलेक्ट किया था? सर मेरे को मेडिकल में वहाँ अनफिट कर दिया गया था, उन्होंने बोला कि आपको दोनों साइड ग्लैंड है, तो बाद में मैंने इसके बारे में पता किया तो मेरे को पता चला कि गायनेकोमेस्टिया था, ग्रेट सर। जी सर, इसमें वैसे कि आपका देखा हमने गायनेकोमेस्टिया सर्जरी किया था, तो आप देख सकते हैं ये चेस्ट पूरी तरीके से फ्लैट हो गया है, पास दिखाई दे रहा है बस, तो आप देख सकते हैं ये चेस्ट पूरी तरीके से फ्लैट हो गया है, इस तरफ मुंह दिखेगा ठीक। तो इसमें जो गायनेकोमेस्टिया एक समस्या थी वो चली गई दूर, तो ये इनका ग्रेड टू था। तो सर्जरी के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा, कोई दर्द हुआ? सर एक दिन बस दर्द हुआ था हल्का सा, उसके बाद में कोई दर्द नहीं था। कोई दर्द नहीं हुआ? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर। कमा से रोमा कोई? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आज की डेट पे क्या है सर? आज की डेट में बहुत खुश हूँ, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। पहले मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम होती थी और मैं मेडिकल तक जाता था और मेडिकल में एडमिट होकर वापस आ जाता था सर, बट सर मैं फाइनली अपना एक बार फिर से ट्राई करके फिर से मेडिकल तक जा सकता हूँ। तो काफी लोग पूछते हैं कि सर्जरी कराने से डर लगता है उनको, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरे ओपिनियन में तो सर्जरी बहुत सेफ एंड सिक्योर मेथड है गायनेकोमेस्टिया को ट्रीट करने की। आप किसी भी डॉक्टर के बहकावे में मत आइए कि हम आपको दवाई करके ठीक कर देंगे, बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकता है, इसमें बहुत कम चांसेस रहते हैं। सर्जरी बहुत सेफ एंड सिक्योर मेथड है इसको क्योर करने के लिए, और एक बेहतर और अच्छे प्लास्टिक सर्जन से कर पाए। तो आपका रिजल्ट अच्छा है, देखिए जो स्टार मार्क है धीरे टाइम से और चला जाएगा, धीरे वन मंथ के बाद इसमें आपको मसाज करना है ना, तो रिजल्ट और अच्छा डिफिनेशन आएगा ठीक है। 2 से 3 महीने में और चेंज आएगा, 6 महीने साल भर से चेंज आता है, तो अभी 15 दिन में ही काफी अच्छा रिजल्ट है, धीरे धीरे और अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा ठीक है। और क्या इसमें पेन होता था? बस इसी उसमें पेन नहीं होता था ना, किसी टाइप की पास मावाद आती थी बस, मेरे को मेडिकली अनफिट कर दिया जाता था ग्लैंड के कारण सर। मेरे को ज्यादा फैट भी नहीं था, ग्रेड 2 था, ग्लैंड थी, तो ग्लैंड के कारण मेरे को बार बार मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता था गायनेकोमेस्टिया बोल के। यस सर। तो काफी लोग पूछते हैं कि हमें आर्मी में इसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको तो बोला था आपको बायलेटरल गायनेकोमेस्टिया है। यस सर, मेरे को बायलेटरल गायनेकोमेस्टिया था, उनसे मैंने कंफर्म भी किया था कि अगर इन केस मैं सर्जरी कराता हूँ उनके स्कार रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सर्जरी करा के एक बार फिर से आ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बड़ा स्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर लेटर बहुत बड़ा स्कार कर देते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है, उसी में सर छोटा स्कार। इसमें छोटा सा इंसिजन देके यहाँ से ये जो निशान होता है, इसलिए आप देते हैं ये डार्क स्किन होती है, फेयर स्किन होती है, इसके जंक्शन पर देते हैं, तो जो भी ये शुरुआती स्कार मार्क दिखाया था धीरे धीरे ये भी चला जाता है, कोई भी स्कार मार्क आपको विजिबल नहीं होगा टाइम के साथ, है ना। तो इसमें क्या होता है जैसे बहुत सारे इंसिजन यहाँ पे लंबा से देते हैं, उसमें क्या है स्कार तो आ जाता है, हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है नॉर्मल स्किन पे, इसमें हाइपरट्रॉफी की चांसेस चमड़ी फूलने की प्रॉब्लम कम होती है। उस कंडीशन में उसको मैनेज करने के डिफरेंट तरीके हैं, स्कार मैनेजमेंट आ जाता है, उसमें इंजेक्शन लगते हैं, सिलिकॉन जेल शीट लगती है, फिर उसको रिवीजन भी करना पड़ता है। एक पेशेंट में मैंने रिवीजन गायनेकोमेस्टिया किया था, उनको हाइपरट्रॉफी थी, तो उसको स्कार को भी रिवीजन किया था, गायनेकोमेस्टिया भी रिवीजन किया था, तो उनका रिजल्ट काफी अच्छा आया। तो उसमें अभी भी वो इंजेक्शन उनको बोला होगा अगर फूलता है हाइपरट्रॉफी होती है तो इंजेक्शन लगवाने जिससे वो बैठ जाएगा सिलिकॉन शीट, तो धीरे धीरे टाइम के साथ और इम्प्रूवमेंट आएगा। इसमें सर कॉस्मेटिक भी गंदा लगता है बड़ा स्कार, छोटा स्कार सर वैसे भी अच्छा लगता है, कॉस्मेटिक उसमें भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप रिजल्ट सेटिस्फाइड हो? यस सर, मैं फुल सेटिस्फाइड हूं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू।